बासबदनपुरा स्थित इमामबाड़े में हम खड़े हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले हमने यहाँ की आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी कि किस प्रकार से हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने यहाँ पर आकर एक हंगामा खड़ा किया था। यहाँ पे जो औरतें जो पूजा पाठ अपना कर रही थी अपनी पद्धति के हिसाब से, उनके साथ गलत हरकत भी की थी। आज हमारे साथ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर यासूब मौजूद हैं। यासूब जी, आज लखनऊ से आज आप राजधानी जयपुर पधारे हैं और इमामबाड़े की जो घटना जो कुछ दिन पहले हुई थी, क्या कहना चाहेंगे उसमें? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ के हवा महल के विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने जिस तरीके से इमामबाड़े में आके, वहाँ के ऊपर इमामबाड़े में आके यहाँ बेहुरमती की है, चप्पल पहन के शानशीन के अंदर, अजाखाने के अंदर, जहाँ पवित्र सामान रखे जाते हैं, जहाँ हर धर्म का आदमी जूते उतार के जाता है, वहाँ वो जूते पहन के शानशीन के अंदर गए और औरतों से उन्हें जिस तरीके से बदतमीजी की, बदकलामी की, उसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। और मैं जयपुर के ज़िला प्रशासन से हवा महल के विधायक बाल मुकुंदाचार्य के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की मांग करता हूँ। कल मैंने भारत के गृह रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह साहब से भी बात की है और बात करके हमने बाकायदा उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की है। यासूब जी, अक्सर देखा गया है कि इस प्रकार की, जब भी पहले भी इस प्रकार के काम जो उन्होंने करे हैं, या तो वो माफ़ी मांग लेते हैं या फिर प्रशासनिक कार्रवाई उनके ऊपर होती नहीं है, तो इसे किस प्रकार से आप कार्रवाई को सुनिश्चित करवाएंगे? देखिए, कार्रवाई को हम पहले तो ऊपर हाई लेवल पर कोशिश कर रहे हैं सुनिश्चित कराने की, और मुझे उम्मीद है कि ऊपर हाई लेवल के ऊपर जो इनके हाई लेवल पर लीडर्स बैठे हैं वो कार्रवाई इसको पर करेंगे। अगर नहीं करते तो हमारी लीगल सेल है, हम लीगल सेल के जरिए से अदालत से आएंगे और अदालत से आके कार्रवाई करवाएंगे। यासूब जी, अभी प्रेस वार्ता के दौरान आपने कहा कि अगर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है तो कुछ धरने प्रदर्शन की ओर भी आप बढ़ेंगे? अगर से कोई कार्रवाई कहीं से नहीं होती है तो बाकायदा हम इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन करके ही हम इसके खिलाफ उस वक्त तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ कार्रवाई हो। बासबदनपुरा स्थित इमामबाड़े में बाल मुकुंदाचार्य के आने के बाद में जिस प्रकार से, आपको बता दें कि उनके द्वारा जो सियासी रंग यहां पर खेलने की कोशिश की गई थी, इसका विरोध आज यहां पर मौजूद तमाम लोगों ने करा और उसके बाद लखनऊ से डॉक्टर यासूब भी यहां पर पहुंचे। उनका साफ तौर पर कहना है कि हिंदू मुस्लिम एकता को खंड करने के लिए इस प्रकार की हरकत उनके द्वारा की जा रही है जो सरासर अनुचित है। रक्षा मंत्री डॉक्टर राजनाथ सिंह से भी मिले हैं, इस बारे में उन्होंने जानकारी दी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो लीगल तौर पर क्या कुछ हो सकता है, डॉक्टर यासूब उसे अपनी लीगल टीम के साथ सुनिश्चित करवाएंगे और उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो धरने प्रदर्शन की ओर भी ये ज़रूर बढ़ेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।